गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर जो है वो फर्स्ट रहेगी, ठीक है। और जो टॉपिक रहेगा आज का वो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे हम ऑन बेसिस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस। जो भी श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर आधारित जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको आज हम सोल्व करेंगे, केवल आज हम न्यूमेरिकल का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी कण की एक विमा में परास यदि किसी कण की एक विमा में परास जीरो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल ए है में गति के लिए तरंग फलन साइन एक्स इक्वल टू ए एंड साइन एन पाई ए एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए है, तब अन्य स्थानों पर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तब प्रसामान्यीकरण के लिए a का मान क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके अंदर अपन को देखो क्या क्या दे रखा है, पहले मैं आपको बता दूं। इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन से पहले हम आपको बता दें कि आपको दिया गया है एक वेव फंक्शन साई एक्स, जो कि इस प्रकार से है ए एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए, ये तो है जीरो से लेकर के और ए तक, और जीरो रहेगा अदरवाइज, यानी कि इस क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र है उसके लिए कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है या प्रसामान्यीकरण नियतांक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त होती है उस शर्त के अनुसार देखो मैं कंडीशन लिख देता हूं, कंडीशन क्या कहती है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी और मॉड ऑफ साइन डी वी इक्वल टू आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यहां पर वेव फंक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम डी वी की जगह एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी एंड साइन एक्स का मोड स्क्वायर, ये मोड स्क्वायर इस नंबर में
और ये रहेगा डी एक्स इक्वल टू वन। इसको ओपन कर लीजिएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और साई एक्स एंड साई एक्स स्टार एंड डी एक्स, ये रहेगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक और साइन साइन स्टार डी एक्स प्लस, फिर हम लिखेंगे जीरो से लेकर के स्मॉल ए तक एंड साइन साइन स्टार एंड डी एक्स प्लस, ए से लेकर के लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी तक और साइन साइन स्टार और डी एक्स इक्वल टू कितना है वन है। हमने इसको ओपन कर लिया है अलग अलग लिमिट में, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लिमिट में तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पर आपको जीरो से लेकर के ए के बीच में तो वेव फंक्शन दिया गया है वो ये दे रखा है, बाकी के लिए तो वैल्यू कितनी है जीरो है, तो हम बाकी के लिए तो जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है। केवल ये बचेगा जीरो से एक के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है मैं उसको मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास इस तरह से जाएगा जीरो से लेकर के ए तक और साइन की वैल्यू है ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए, और दूसरा जो हमारे पास है वो है ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए का स्टार एन डी एक्स इक्वल टू वन। अब देखो स्टार का मतलब है जो भी आइटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर किसी में भी आइटा नहीं है लेकिन ए है उसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। तो अपने पास मिलेगा कि जीरो से लेकर के ए तक और यहाँ पर मिलेगा ए एंड ए स्टार ठीक है, ए एंड ए स्टार, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में ए और साथ में डी एक्स इक्वल टू वन। लेकिन हमारे पास जो आइगेन या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की नॉर्मलाइज्ड कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो हमारे पास रियल होते हैं ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन नियतांक वास्तविक होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए स्टार बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। साइन को ओपन कर लीजिए आप, जीरो से ए है और साइन को अपन लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन में ए अपॉन में टू एंड डी एक्स इक्वल टू वन, क्या जाएगा। तो आप इसका समाकलन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बाई टू तो बाहर है ही, समाकलन करेंगे इसका समाकलन रहेगा कि ना एक्स, तो रहेगा एक्स के ऊपर आप लिमिट भी लगा जीरो से लेकर के ए माइनस कोस का करेंगे, कोस का रहेगा हमारे पास साइन में ठीक है, तो रहेगा साइन टू एन पाई एक्स अपॉन में ए और अपॉन में ये रहेगा टू एन पाई अपॉन में ए, पर लिमिट रहेगी जीरो से लेकर के ए तक इक्वल कितना है वन ठीक। इसको फिर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इस तरह से कि ए स्क्वायर बाई टू तो ऐसे बाहर था और एक्स के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो रहेगा ए माइनस का जीरो एंड माइनस यहाँ पर साइन के लिए वन अपॉन टू एन पाई अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा और लिमिट लगेगी साइन टू एन पाई ए अपॉन ए माइनस साइन जीरो,
बराबर 1, तो ये भी हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 थीटा की वैल्यू या 2 पाई की जो वैल्यू वो 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू की नहीं होती, 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा किधर? इतना आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 (a) = 1, और यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ए, ये 2 अपॉन में a, और a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √2/a। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो नियतांक है वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास जो तरंग फलन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तरंग फलन जो है वो हमारे पास sin(x) = मिलेगा √2/a एंड sin(n)π(x)/a, ये हमारे पास तरंग फलन का स्वरूप हो जाएगा, ठीक है, जिसके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के a तक अधिकतम रहेगी। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अधिकतम रहेगी, ठीक, या इकाई भी बोल सकते हैं आप। आप देखिए इसी क्वेश्चन में और आगे करते हैं इसी को। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन है, एक कण की 1 वीमी बॉक्स में एक कण के एक 1 वीमीय बॉक्स में गति के लिए दिया गया है, गति के लिए दिया गया है, ठीक है, और ये दे रखा है sin(x) जो अभी हमने निकाला जस्ट √2/a एंड sin(n)π(x)/a, ये दे रखा है, ठीक है, और इसकी परास दे रखी है 0 से लेकर के और ए तक, और अन्य स्थानों पर दे रखा है आपको 0। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे 0 और ये अदरवाइज, ठीक, ये वे फंक्शन दे रखा है। इस कण की स्थिति परास, इस कण की स्थिति परास 0 से लेकर के और a/2 के मध्य पाए जाने की प्रायिकता याद कीजिए, मध्य पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रायिकता जो हमारे पास है उसको हम निकालेंगे। तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, वेव फंक्शन दे रखा है और उसकी कंडीशन दे रखी। तो जो प्रायिकता होती है प्रायिकता जो होती है उसको अपन पी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है sin(sin)*, ठीक है। अब आपको लिमिट दे रखी है तो आप उसमें लिमिट के साथ निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी PRT आप निकालोगे तो रहेगा हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से लेकर के और a a/2 तक बस, और आपके पास मिलेगा sin(sin)dx, ठीक। अभी कितना आएगा तो ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो देखिएगा
वापस से जीरो से ए बाई टू, और आपको देखा है रूट टू अपॉन में ए एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए इंटू, इसका कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स ले लेंगे और फिर हमारे पास आएगा रूट टू अपॉन में ए एंड साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए और साथ में डी एक्स, ठीक है। बाहर आएगा टू अपॉन ए बाहर जाएगा और जीरो से लेकर के ए बाई टू तक, और ये रहेगा साइन स्क्वायर और एन पाई ए एक्स और साथ में डी एक्स, ये रहता है, ठीक है। वापस इसको साइन को ही ओपन करेंगे तो देखिएगा हमारे पास मिलेगा वापस टू अपॉन में ए, लिमिट है जीरो से लेकर के ए बाई टू, साइन टू टेगा वन माइनस कोस टू थीटा के अंदर टू एन पाई एक्स अपॉन में ए अपॉन में टू और डी एक्स, यहाँ से टू से और टू क्या जाएगा कैंसल आपको मिलेगा वन अपॉन ए मिलेगा, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये तो रहेगा अलग, और जीरो से ए बाई टू वन डी एक्स माइनस जीरो से ए बाई टू एंड कोस टू एन पाई एक्स अपॉन में ए और साथ में डी एक्स, सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करेंगे वन अपॉन ए, इसको सोल्व करेंगे अपन तो आएगा एक्स और एक्स के ऊपर लिमिट रहेगी हमारे पास जीरो से लेकर के ए बाई टू, माइनस इसको सोल्व कर देंगे और इस पर भी लिमिट लगा देंगे तो रहेगा हमारे पास साइन टू एन पाई एक्स अपॉन में ए अपॉन में ए रहेगा टू एन पाई अपॉन में ए और लिमिट रहेगी हमारे पास जीरो से लेकर के ए बाई टू तक, ठीक है, जीरो से लेकर के ए बाई टू तक। तो हमें मिलेगा अब की बार वन अपॉन ए इन टू, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो रहेगा ए बाई टू माइनस का जीरो तो जीरो छोड़ देंगे, माइनस जब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो हमारे पास ये रहेगा इस तरह से वन अपॉन ए और वन अपॉन टू एन पाई अपॉन में ए और यहाँ पर देखेगा साइन टू एन पाई अपॉन में ए इंटू ए बाई टू और माइनस का साइन ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एन पाई का मान ज़ीरो तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल ये वाला पार्ट। और इस वाले पार्ट में भी आपके पास ए बाई टू से सॉरी वन अपॉन ए से ए कट जाएगा तो आपके पास मिलेगा केवल एक बटा दो। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है पी आर टी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वन बाई टू। वैसे भी आप देख सकते हो हमारे पास ये बॉक्स है जीरो से ए तक दे रखा है, आपको बोला गया है कि जीरो से ए बाई टू के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है 100%, तो यहाँ से यहाँ तक आधा किया है तो आधे हो जाएगा यानी कि 50%, 50 का मतलब है एक बटा दो। आप इसको प्रतिशत में निकालोगे तो पी आर टी इक्वल टू वन बाई टू इंटू ये रहेगा 100%, तो कट जाएगा और आपको मिलेगा पी आर टी इक्वल टू 50% आपको ये मिल जाएगा, 50% आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं आपको, यदि आपसे इसके स्थान पर ऐसे दे रखा होता कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी आर टी इक्वल टू ए बाई टू से ए तक एंड साइन
साई स्टार और डीएक्स, तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 ही आती है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आती, 1/2 ही आती। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 है और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 + 1/2 = 1 हो जाएगी। ठीक, 1/2 + 1/2 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे और अगली क्लास में हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड डे। और इसके अलावा ये तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वे फंक्शन पर डिपेंडेंट है, और प्रायिकता धारा घनत्व के ऊपर एक क्वेश्चन और है, उसको अपन और सॉल्व करेंगे बाद में।